नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह नगर कोतवाली में 24 जनवरी को एक मामला दर्ज किया गया था। मुस्लिम समाज के युवाओं के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया था, जिस पर समाज को काफी आपत्ति है। समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर का कार्यक्रम चल रहा था। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम भव्यता के साथ सम्पन्न होता है, इस वर्ष भी यह कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच एक मामला दर्ज किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर समाज को कड़ी आपत्ति है। आज समाज के तमाम जो लोग थे, बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी को एक ज्ञापन सौंपा गया। संपूर्ण मामले में 7 दिन में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इनका कहना है कि समाज के जो युवक है उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। 100 से अधिक हलफनामा भी इनके द्वारा सौंपे गए हैं कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पर नहीं था, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी कोई बात हुई हो। फिर भी मामला दर्ज किया गया है तो दोबारा संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और समाज के युवकों को न्याय दिया जाए। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। और 5 बजे से देर के बाद हमारे यहाँ 24 जनवरी को प्रोग्राम किया जा रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को 23 तारीख को ऑलरेडी दे जा चुकी थी। उस प्रोग्राम में शांतिपूर्वक प्रोग्राम हो गया है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के नाम से FIR की गई है, जो झूठ और निराधार है। और उसके लिए हम यहाँ पर आए आवेदन देने कि उसको विवेचना करके, पुनर्विवेचना करके उसका खात्मा किया जाए। और अगर प्रशासन को कोई आपत्ति थी तो 23 तारीख को जो हमने सूचना दी थी उस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए था और हमें इन्फॉर्म कर दे कि आप इसको प्रोग्राम को ना करें। तो हम उस पर कोई कहते, अब हमारा प्रोग्राम भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि पुलिस वालों से कोई वाद विवाद हुआ है और उसको लेके आपने FIR करा दी। ये सनासर गलत है, झूठ है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। और हम लोग हमेशा जिला प्रशासन, कलेक्टर से समिति में, शांति समिति की मीटिंग में आते हैं। प्रशासन ने आज तक जो भी हम लोग को जिम्मेदारी दी समाज से, हमने वो सब मिलकर की है। चाहे हिंदू समाज का कोई त्यौहार हो और मुस्लिम समाज का साथ में हो, तो मिलकर हम लोगों ने मिलकर उसको भी किया है। प्रशासन ने जैसा निर्देशन किया है किया है, हम लोगों ने किया है। लेकिन इस प्रकार के अगर झूठे प्रकरण बनाए जाएंगे और उसको फिर आप नौजवान बच्चों को टारगेट करेंगे, तो फिर आगे से हम शांति समिति के जितने भी सदस्य हैं वो जिला प्रशासन की कोई प्रकार की कमीटिंग में नहीं आएंगे और कोई भी प्रकार का सहयोग करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, पुनर्SP साहब से अनुरोध करते हैं कि FIR पर पुनर्विचार करके उस केस का खात्मा किया जाए। 1/2023 को गरीब मोहल्ला में हर साल के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जश्न मनाया गया, जिसमें सामाजिक रूप से लंगर बनाकर लोगों को खिलाने का प्रोग्राम था। 5 बजे से 9 बजे तक का की सूचना थाने में दे दी गई थी, SDM साहब को दे दी गई थी। उसके बावजूद जो है वहाँ पर 5 बजे से 9 बजे तक ये प्रोग्राम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई विवाद या कोई घटना नहीं हुई है। और इसके लिए थाने से कुछ लोगों के नाम पर एक प्रकरण बनाया गया है, जो गलत रूप से बनाया गया है, ये झूठा प्रकरण है, इसको समाप्त किया गया। साल के मुताबिक इस साल भी ख्वाजा गरीब नमाज का जो लंगर कार्यक्रम होता है वो गड़ी मोहल्ले में आयोजित हुआ। हम लोगों ने इसकी विधिवत पूर्व जानकारी दे दी थी, उसकी हमारे पास पावती भी है। कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ, 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हमारा कार्यक्रम हुआ और संपन्न हो गया। बाद में पता चलता है कि हमारे समाज के कुछ नौजवानों के ऊपर एक शासकीय कार्य में बाधा का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि इस तरह की कोई घटना वहां पर व्यतीत नहीं हुई, कोई घटित नहीं हुई। इसके गवाह वहां सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने हलफनामा दिया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मुस्लिम समाज के चंद लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को ये लिखित में एक ज्ञापन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करा के इस पर खात्मा लगाया जाए, इसको जो पूरी FIR है उसका खात्मा किया जाए। और अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई
उचित कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की जाती तो मुस्लिम समाज सड़कों पर आएगा और फिर से लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि हमारे शांति समिति के सदस्यों को भी उस FIR में उल्लेख किया गया है, हम सब शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है, अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग प्रशासन के सामने आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। धन्यवाद। पांच लोगों की कमेटी के मेंबर जो है ना, शांति समिति के जो मेंबर्स हैं उनके भी हस्ताक्षर हैं और समाज के व्यक्तियों के हलफनामा भी। बिल्कुल ये एक FIR हुई है जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये लोग ज्ञापन दे रहे थे, तो जांच कराई जाएगी इसके बारे में। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।